हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल। दोस्तों आप सब वेट कर रहे होंगे कि 2020 आने वाला है। काफी लोग एक्साइटेड होंगे, काफी लोग निराश होंगे। पहली बात तो ये कि जो लोग निराश हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा, यार हैप्पी हो जाओ, अब नए साल में कुछ नया करेंगे। दूसरी चीज, काफी लोग सोच रहे होंगे कि मैं जिम जाऊंगा, काफी लोग सोच रहे होंगे मैं रनिंग करूंगा। जैसा कि मैं खुद सोच रहा हूं कि मैं रनिंग करने अभी डेली स्टार्ट करूंगा। पहले मैं जाता था, अभी समय नहीं मिल पाता था, ऐसे में बहाना बना रहा हूं। वैसे हम लोग जाते नहीं थे, आलस करते थे, काम से आने के बाद थकाई लग जाती थी। लेकिन अब मैं भी सोचा हूँ कि 2020 से मैं डेली रनिंग के लिए जाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दिया है मैंने। दोस्तों यूनिक सिविल की तरफ से आपको एक संदेश है। संदेश यह है कि आप फिजिकली तो इतनी अच्छी तरीके से डाइट बना रहे हो, डेफिनेटली सभी लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा दिखूं। मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचते हैं, डेफिनेटली सभी लोग सोचते हैं मेरी अच्छी बॉडी हो, आप भी और मैं भी। लेकिन उसके साथ आप एक चीज नहीं सोचते जो मैं सोचता हूं, वो ये है, आप मेंटल डाइट देते हो क्या खुद को? कुछ लोग सोच रहे होंगे मेंटल डाइट, फिजिकली डाइट तो आप ले लेते हो रनिंग करके, अच्छा फूड खा के, तरह तरह से। लेकिन मेंटल डाइट आपको पता है क्या? मेंटल डाइट होता है आपने जो एजुकेशन लिया है वो किस बेस का एजुकेशन लिया है। यानी आपको कुछ अच्छे अच्छे नॉवेल्स पढ़ने चाहिए न्यू ईयर में। ऐसा आप एक रेजोल्यूशन बनाइए, मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसमें आप किसी न किसी एक ग्रेट पर्सन की बुक पढ़िए, उनकी जीवन शैली पढ़िए। हो सकता है उसे आप 15 दिन पढ़ लें, हो सकता है आप वंस अ वीक पढ़ें। मैंने सोचा है मैं वंस अ वीक पढ़ूंगा, अभी मैं महीने में पढ़ता हूँ, सच बोल रहा हूँ। मतलब मुझे मैं एक हफ्ते में नहीं खत्म कर पाता क्योंकि टाइम नहीं लग पाता है, लेकिन मैंने महीने में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था काफी दिन से। अभी पढ़ भी रहा हूँ, बहुत ज्यादा फायदे हो रहे हैं। कभी मैंने महात्मा गांधी को पढ़ा, कभी नेल्सन मंडेला को पढ़ा, कभी अब्राहम लिंकन को पढ़ा, और कभी हमने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पढ़ा, कभी जयशंकर प्रसाद को पढ़ा। मैं एक एक करके सभी को मेंटल डाइट में ऐड कर रहा हूँ, और उसका इतना फायदा हो रहा है कि मेरे पास आज शब्द का भंडार भी है। और साथ ही साथ दूसरी चीजें मैं देखता हूँ कि मेरे पास बात करने के लिए एक सही थॉट है, और मैं जब सोचता हूँ कुछ तो कहीं ना कहीं उनकी चीजें भी मेरे दिमाग में रखी रहती हैं। उनका खाना उनको डाइट के रूप में लेना, उनके नॉलेज को, उनके एक्सपीरियंस को डाइट के रूप में अगर आप लेते हैं और आप फिजिकल और मेंटल दोनों को डिस्टर्ब नहीं करते, एकदम बैलेंस कर लेते हैं, बिलीव करिए आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। मैंने भी यही सोचा है कि मैं अभी की बार वंस अ वीक पढ़ूंगा, एक किताब को एक वीक में खत्म कर लूंगा, ऐसा मेरा सोचना है। एक वीक में नहीं तो 15 दिन में तो जरूर सोचूंगा कि 15 दिन में करना है। आपसे भी यही एक रिक्वेस्ट है कि न्यू ईयर में यूनिक सिविल की तरफ से एक मैसेज लीजिए कि आपको चाहे महीने में एक मेंटल डाइट वाली बुक पढ़नी है, और एक यूनिक सिविल की तो आप पढ़ते ही होंगे, मीन्स आप जो भी एजुकेशन सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ रहे हैं वो तो डेफिनेटली आप पढ़ते ही होंगे, बहुत अच्छी बात है, उसको पढ़िए। उसके साथ हमारा एक प्रॉमिस याद रखिए, आपको मेंटल डाइट की बुक पढ़नी है। अगर आप चाहते हो मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी बुक पढ़नी है आपको, या मैं अभी इस समय कौन सा पढ़ रहा हूं, तो नीचे कमेंट करना हो, मुझे बताना कि सर मुझे स्टार्ट करना है, कौन सी बुक से स्टार्ट करूं जिससे मेरा इंटरेस्ट बढ़े। डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, हर एक बुक का रिव्यू भी आपको बता दूंगा कि इस बुक में आपको ये चीज बहुत अच्छी मिलेगी। और साथ ही साथ आपको बुक पढ़ने का अगर इंटरेस्ट लग गया ना, तो ये 4 इंच की स्क्रीन है ना जो आपके दिमाग को लूज कर रही है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगी अगर आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा, और ये स्ट्रांग नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारा मैक्सिमम टाइम, आप थोड़ा सा सोचो, 2 मिनट की सोचो, आपका कितना टाइम फेसबुक या व्हाट्सएप या मोबाइल फोन लेता है? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, कैलकुलेट कर लेना, लगभग 4 से 5 घंटे आपका सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन लेता है। 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 5 घंटे ये ले सकता है, तो क्यों ना हम 2 घंटे किताब को दे दे, उससे हमको काफी कुछ मिल जाएगा, और आपका जो एक लैंग्वेज होगा वो बदल जाएगा। और साथ ही साथ उसके साथ आप सिविल इंजीनियरिंग की बुक पढ़िए, सिविल इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ऑफकोर्स वो तो आपकी रोजी रोटी वही देने वाली है, लेकिन उसके साथ जो शब्द का पावर है, जो दिमाग का थॉट प्रोसेस है, उसको अच्छा चलाना है। स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, अब्दुल कलाम को पढ़िए, ऐसे अच्छे अच्छे ग्रेट पर्सन को पढ़िएगा जरूर, मेंटल डाइट में इसको जरूर ऐड करिए, क्योंकि अगर मेंटल डाइट आपका नहीं अच्छा है तो कहीं ना कहीं आप परेशान रहेंगे, आप चीजों को सही तरीके से सोच नहीं पाएंगे,
और कहीं पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ये सब को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप मेंटल डाइट स्ट्रांग रखें। इसी के साथ ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था यूनिक सिविल की तरफ से। अगर आपको अच्छा लगा हो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्या पता वो भी हमसे जुड़ जाए और उनकी भी मेंटल डाइट इसी तरीके से बन जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।